नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YM Entertainment हिंदी में। आज हम बात करने वाले हैं डेड टू मी के सीजन 1 के सेकेंड एपिसोड के बारे में। एपिसोड शुरू होता है डिनर टेबल पे, जेन, जेन के बच्चे और जूडी खाना खाते हुए बैठे रहते हैं। वहीं पर बातों बातों में जेन के बच्चे जेन से पूछते हैं जूडी यहाँ कब तक रहने वाली है। जूडी और जेन एक दूसरे को देख के बातों बातों में ही दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी ऐसी बातें अभी तक कुछ हुई नहीं है। जेन के बच्चे थोड़े से नाखुश होते है और वो बोलते हैं कि आप किसी पर भी भरोसा करके यहाँ पे लेके आते हो। वहाँ पर जेन उनको डांट के चुप कराती है और वहाँ से रूम में चले जाते हैं। खाना खाने के बाद जेन और जूडी किचन में साफ सफाई कर रहे होते हैं। जूडी वहाँ पे बर्तन धोने में जेन की मदद कर रही होती है। जेन जूडी को बताती है कि जब वो स्टीव से मिली थी तो उसको कार्ड दिया था उसने। आज सुबह उसका कॉल आया, वो उसका घर बेचना है और वो घर बेचने वाली है। ये सुनते ही जूडी को थोड़ा सा बुरा लगता है और उसके हाथ से वो कार्ड टूट के उसके हाथ में लग जाता है और खून बहने लगता है। जेन उसके लिए बैंडेज वगैरह लेके आती है और ड्रेसिंग करती रहती है। बट जूडी अभी तक शॉक में ही रहती है कि उसका घर कैसे बिक रहा है, क्योंकि उस घर के साथ में उसके और स्टीव के साथ में सपने देखे होते हैं। उसको बहुत बुरा लग रहा होता है अभी। जेन जूडी को गेस्ट हाउस में रहने के लिए जगह दिया होता है। वहाँ पे जूडी तकिया कंबल वगैरह लेके जाती है। वहाँ पे देखने में पता चलता है कि वो एक स्टूडियो रहता है जो जेन के पति का होता है। पूरा सामान जेन के पति का रहता है और एक बेड रहता है। वहाँ पे वो कंबल वगैरह बिछा के सोने के लिए लेट जाती है। उसी वक्त उसको एक सपना आता है जिसमें जूडी गाड़ी चला रही होती है और गाड़ी के सामने कोई आता है और वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ पे सीन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सुबह जूडी स्टीव के घर पे जाती है। वहाँ पे कोई नहीं रहता है और स्टीव को कॉल करते तो स्टीव कॉल भी नहीं उठाता है। वहीं जेन अपने मॉर्निंग वॉक पे जाती है, बट वहाँ पे एक जोरदार स्पीड में येलो कलर की स्पोर्ट्स कार जाती है। उस स्पीड की वजह से जेन घबराती है और ड्राइवर पे चिल्लाने लगती है। जूडी अब स्टीव को ढूंढते हुए उसके ऑफिस पहुंच जाती है, बट वहाँ पर भी स्टीव नहीं होता है। फिर भी वो स्टीव के केबिन में घुस जाती है जबरदस्ती। स्टीव की सेक्रेटरी उसे रोकना चाहती है, फिर भी वो वहाँ पे टेबल पे एक नोट छोड़ के वहाँ से चली जाती है। जेन पुलिस को कॉल करके रैश ड्राइविंग वाले कार की कंप्लेंट करती रहती है। वहीं उसी वक्त उसके ऑफिस में स्टीव आ जाता है अपने घर के सेल की डील करने के लिए। वहीं बातों बातों में जेन का बिजनेस पार्टनर स्टीव को बता देता है कि जूडी जेन के साथ ही रह रही है उसके गेस्ट हाउस में। जेन स्टीव को बताती है उसको रहने के लिए जगह नहीं थी तो मैंने उसे सहारा दिया और वो भी मुझे सहारा दे रही है। ये बात सुनकर स्टीव थोड़ा सा हंसता है और बोलता है कि बुरा मत मानना, बट जेन जहाँ भी जाती है वहाँ पे मुसीबत लेके जाती है। अगले दिन सुबह जेन मॉर्निंग वॉक के लिए जाती है, फिर वही सेम येलो कलर की स्पोर्ट कार वहाँ से गुजरती है। इस बार भी जेन चिल्लाती है उस पे और वो स्पोर्ट्स कार वाला मालिक गाड़ी पीछे लेके के जेन के मुंह पे थूक के वहाँ से भाग जाता है। जेन फिर से उसकी कंप्लेन करती है। जेन जब घर पे वापस आती है तो जूडी बाहर ही सो रही होती है। फिर जेन फ्रेश होके नीचे आती है, तब जूडी ब्रेकफास्ट बना रही होती है। तब उनकी बातचीत होती है कि क्या तुम्हें गेस्ट हाउस कंफर्टेबल नहीं लग रहा है क्या? तो जूडी बताती है वहाँ पे हर जगह बहुत सारा सामान है, कीमती सामान है, तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। जूडी कहती है ये सब कीमती सामान है तो तुम इसमें से सामान बेच के पैसे क्यों नहीं अरेंज करती, बच्चों के काम आएंगे, ऐसा कहती है। जेन वहाँ पे बोलती है मुझे तो हिम्मत ही नहीं होती गेस्ट हाउस में जाने की, क्योंकि वहाँ पे टेड का सामान पड़ा हुआ है। जैसे कि जूडी बहुत बड़बोली रहती है तो बातों बातों में वो स्टोरेज यूनिट की बात कर जाती है। मुझे तो बहुत सारा सामान जमा करने की आदत है, मैं खुद तो स्टोरेज यूनिट्स में सामान रखती हूँ। इतने में घर की बेल बज जाती है। जेन डोर खोलने के लिए जाती है, तब जूडी बोलती है कि सब भूल जाओ जो मैंने अभी कहा है। डोर ओपन करने पे वहाँ पे पुलिस खड़ी होती है जो कि जूडी के लिए आई होती है। स्टीव ने कंप्लेंट किया होता है। जूडी को वार्निंग देती है पुलिस कि वो स्टीव से 100 फीट दूर रहे, अगर ये ऐसा नहीं करती है तो उसे अरेस्ट किया जाएगा, और वहाँ से पुलिस चली जाती है। जेन जूडी से पूछती है क्या अभी तुम उसको स्टॉक कर रही हो। जेन बताती है नहीं, मैं घर की बात करने के लिए उसके ऑफिस और घर पे गई थी और उसे कॉल भी किया था पर वो कॉल नहीं उठा रहा। जेन कहती है कि मेरे बच्चे भी रहते हैं यहाँ पे और यहाँ पे पुलिस आ रही है, ये ठीक नहीं हो रहा है। जूडी सॉरी बोल के वहाँ से चली जाती है। उसी वक्त जेन का बड़ा बेटा आता है, तो आपको पता नहीं था वो स्टॉकर है करके ये टॉन्ट मार के वो वहाँ से चला जाता है। जूडी अपने काम पे चली जाती है। वहाँ पे एक एब नाम के अंकल रहते हैं, उनको बताती है कि स्टीव ने मेरे साथ ऐसा किया है करके। तो वो अंकल उसे सलाह देते हैं कि तुम डेटिंग ऐप ज्वाइन कर लो और स्टीव का चक्कर छोड़ दो। वो अंकल उसे कहते हैं तुम अगर इस डेटिंग साइट पे मुझे मिल गई तो मैं तुम्हें सेलेक्ट कर लूंगा। उस पर जूडी कहती है कि मैं आपके लायक नहीं हूँ, मैंने बहुत बुरे काम किए हैं। इस पर अंकल बोलते हैं किसने बुरे काम नहीं किए हैं, दूध का धुला कौन है, तुम बहुत अच्छी हो, मैं
तुम्हें जानता हूँ, ऐसा बोल के वहाँ पे कन्वर्सेशन खत्म होता है। जेन स्टीव के घर का मुआयना करने जाती है। वहाँ पर वो देखती है कि हर कमरे में सिर्फ स्टीव के ही चीजें है, जूडी के कुछ भी चीजें नहीं होती है। थोड़ा उसे अजीब लगता है। बातों बातों में जेन स्टीव से बात छेड़ देती है कि तुमने जूडी के लिए रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर क्यों फाइल किया है। तो वो बोलता है कि मुझे एक वार्निंग देनी थी, इसीलिए किया है, उसकी वजह से कुछ तमाशा हुआ तो आई एम सॉरी, ऐसा स्टीव बोलता है। जेन स्टीव के साथ ऊपर के कमरे देखने जाती है। वहाँ पे एक कमरा होता है जहाँ पे बेबी की चीजें होती है, एक झूला होता है और कुछ खिलौने रहते हैं छोटे मोटे। तो बातों बातों में स्टीव और जेन की बातें होती है कि मुझे पता है आप मिसकैरेज हुआ है आप दोनों का 5 बार। बातों बातों में मिसकैरेज की बातें निकलती है। तब स्टीव बताता है कि जूडे ने बहुत कुछ झेला है, लास्ट टाइम 5 मंथ्स का प्रेगनेंसी के बाद उसका मिसकैरेज हुआ था, उसके बाद हमने होप छोड़ दिया है। इस पे जेन कहती है कि मैं समझ सकती हूँ आप दोनों पे क्या गुजर रही होगी, और वहीं पे वो चीजें देख के आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में घर पे चार्ली गेम खेलता रहता है। चार्ली जेन का बड़ा बेटा होता है। जूडी उसके पास जाके दोस्ती करने का ट्राई करती है, बट चार्ली जूडी से बहुत रूडली बात करते हुए, चार्ली बोलता है कि मैं स्टॉकर से और अजनबियों से बात नहीं करता। फिर भी जूडी उसका भरोसा जीतने का ट्राई करती है। जूडी बोलती है मुझे अपने पापा के रूम में रहने देने के लिए धन्यवाद, जिस पर चार्ली कहता है कि ये डिसीजन मेरा नहीं है, मुझे किसी ने पूछा नहीं है। तभी चार्ली पूछता है कि तुम्हारे पास सुट्टा है क्या, जिस पर जूडी ना कह देती है और पिज्जा का ऑफर करती है, जिस पे दोनों बच्चे मान जाते हैं और जूडी पिज्जा ऑर्डर कर देती है। जेन घर पर आ जाती है, वहाँ पर देखती है कि जूडी बच्चों के साथ बैठ के मस्ती करते हुए पिज्जा खा रही है। वो देख के जेन को थोड़ा सा सुकून होता है और वहाँ से वो गेस्ट हाउस में जाती है सामान देखने के लिए। वहाँ पर सामान देखते हुए हर एक सामान को छू के देखती है, अपने पति का टेड का वहाँ पे रखे हुए हर एक सामान को छू के देखना चाहती है, और हर एक सामान को छूते हुए वो इमोशनल भी होती है। और वहीं पर पीछे से जूडी भी आ जाती है। जेन को इमोशनल देके जूडी उसको हक करती है। फिर जेन उसे कहती है तो यहाँ से सब सामान अब हटा देते हैं हम। वहाँ पे क्लीनिंग में सब सामान बाजू में लेके आते हैं। तब छोटा बेटा गिटार लेके जाता है और बड़ा बेटा चार्ली गन मांगता है, जिस पर जेन कहती है कि वो लॉकर में है और तुम्हें गन क्यों चाहिए। तो चार्ली बोलता है मुझे सेफ्टी के लिए चाहिए। जेन कहती है कि इस फैमिली के हेड मैं हूँ और प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है, तुम चाहे तो ड्रम लेके जा सकते हो, ऐसा बोलती है। चार्ली वहाँ से गुस्से में ड्रम उठा के चला जाता है। गन की बात सुनकर जूडी थोड़ा सा नर्वस हो जाती है और जेन से पूछती है क्या सच में तुम्हारे पास गन है। जेन हाँ बोलती है बट वो लॉकर में है। बाकी बचा हुआ सामान दोनों मिलके एक स्टोरेज यूनिट में रखने के लिए आते हैं। वहाँ पे सामान रखते हुए बातों बातों में जेन जूडी को बताती है कि मैंने स्टीव के घर पे गई थी, वहाँ पे वो बच्चे का कमरा वगैरह देखा है, ये बताते हुए दोनों भी भावुक होते हैं वहाँ पे। वहीं पे जूडी को फिर से वही सपना आता है जिसमें वो कार चला रही होती है और सामने कोई एक आदमी आकर टक्कर खाता है, बट इस बार उसमें स्टीव भी दिखाई देता है और टक्कर के बाद में वो गाड़ी 32 नंबर के लॉकर में रखी हुई रहती है और स्टीव उसका लॉकर बंद करता है। और अभी जो ये सामान रख रहे होते हैं उस लॉकर का नंबर 34 होता है, यानी कि वो एक्सीडेंट वाली कार उसके बाजू वाले ही लॉकर में है। सामान रखे दोनों वापस आ रहे होते हैं गाड़ी में, तब जूडी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। जेन उसको बेबी टॉवल देती है जिसपे जूडी का नाम लिखा होता है जो बच्चे के लिए उसने बनवाया रहता है, वो उसके घर से स्टीव से मांग के लेके आती है। उस पर जूडी थैंक्स बोलती है। रास्ते में जेन को येलो स्पोर्ट्स कार दिख जाती है रोड पे खड़ी हुई, तो गाड़ी वहाँ पे रोक के वो गोल्फ स्टिक निकाल के गाड़ी के दोनों कांच और आईने फोड़ देती है। वहीं पे उसका मालिक घर से बाहर भागता हुआ आता है, स्टिक गाड़ी में रख के वहाँ से गाड़ी लेके भाग जाती है और एपिसोड 2 यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।